नीतिवचन अध्याय 21 नीतिवचन अध्याय 21 राजा का मन नालियों के जल किनारे यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको फेर देता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। चढ़ी आंखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय है। कामकाज की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने वाले को केवल घटती होती है। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कोहरा है, उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। जो उपद्रव दुष्ट लोग करते हैं उससे उन्हीं का नाश होता है, क्योंकि वे न्याय का काम करने से इनकार करते हैं। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका कर्म सीधा होता है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। दुष्टजन बुराई की लालसा जी से करता है, वह अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की दृष्टि नहीं करता। जब ठट्टा करने वाले को दंड दिया जाता है तब भोला बुद्धिमान हो जाता है, और बुद्धिमान को जब उपदेश दिया जाता है तब वह ज्ञान प्राप्त करता है। धर्मी जन दुष्टों के घराने पर बुद्धिमानी से विचार करते हैं और परमेश्वर को बुराइयों से उल्टा देते हैं। जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा होता है, और चुपके से दी हुई घूस से बड़ी जलजलाहट भी थमती है। न्याय का काम करना धर्मी को तो आनंद, परंतु अनर्थकारियों को विनाशी का कारण जान पड़ता है। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। जो राग रंग से प्रीति रखता है वह कंगाल होता है। जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वह धनी नहीं होता। दुष्ट जन धर्मी की छुड़ौती ठहराता है, और विश्वासघाती सीधे लोगों की संति दंड भोगते हैं। झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। बुद्धिमानी के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। जो धर्म और कृपा का पीछा पकड़ता है वह जीवन, धर्म और महिमा भी पाता है। बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़कर उनके बल को जिससे भरोसा करते हैं नाश करता है। जो अपने मुंह को वश में रखता है वह अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है उसका नाम अभिमानी और अहंकारी ठट्टा करने वाला पड़ता है। आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। कोई ऐसा है जो दिन भर लालसा ही किया करता है, परंतु धर्मी लगातार दान करता है। दुष्टों का बलिदान घृणित लगता है, विशेष करके जब वह महापाप के निमित्त चढ़ता है। झूठा साक्षी नाश होता है, जिसने जो सुना है वही करता हुआ स्थिर रहेगा। दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है, और जो सीधा है वह अपनी चाल सीधी करता है। यहोवा के विरुद्ध न तो कुछ बुद्धि और न कुछ समझ और न कोई युक्ति चलती है। युद्ध के दिन के लिए तो घोड़ा तैयार तो रहता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलता है।